नमस्कार। केटीआर की विशेष पेशकश में आज हम दिखा रहे हैं डाहणा ग्राम पंचायत में मनाए जा रहे हैं मकर संक्रांति त्यौहार का। राजस्थान वैसे तो त्यौहारों का देश है, यहाँ पर अलग अलग कल्चर है, अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे जयपुर में गणगौर की सवारी भी निकाली जाती है, वैसे ही एक अच्छी पहल डाहणा ग्राम पंचायत के सरपंच विकास सैनी द्वारा भी मानी जा सकती है। जो ज्योतिबा राय फुले मैदान पर आज पतंग महोत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है, उसके साथ भी यहाँ पर हम दिखाएंगे, यहाँ पर खाने का भी पूरा बंदोबस्त किया गया है, पतंगबाजी का भी पूरा बंदोबस्त किया गया है सरपंच द्वारा, और यहाँ पर डीजे के द्वारा जो घूमर है उसका भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और इसमें विशेष बात यह है कि यहाँ पर जो पतंगबाजी में जो प्रथम रहेगा उसको इनाम भी दी जाएगी। हम चलते हैं सरपंच जी के साथ भी, उनसे पूछते हैं कि ये त्यौहार और ये अच्छी पहल कब से शुरू की है और आगे भी क्या व्यवस्था रहेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद एक त्यौहारों के राजस्थान में और ऐसी पहल की। सबसे पहले तो सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि ये त्यौहार और आपके पूरी साल बहुत मंगलमय कामना लेके आपके द्वार पहुंचे। ये अचानक मैं और मेरी टीम ने मिलकर ये निर्णय लिया कि इस बार पतंगबाजी को क्यों ना सब पूरा गांव एकजुट होकर मनाए, इसलिए हमने कौन बनेगा सबसे बड़ा पतंगबाज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों महिलाओं बुज़ुर्गों के लिए सबके लिए प्रोग्राम है। उसके अलावा पतंगबाजी के अलावा भी बहुत से छोटे मोटे खेल यहाँ करवाए जाएंगे जिसमें सभी लोग शामिल होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग एकजुट होकर इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएंगे, क्योंकि जैसे बताया गया कि राजस्थान वैसे भी त्यौहारों का पर्व है, तो इस पर्व को हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। इससे पहले जो तीज का त्यौहार था, इनकी धर्मपत्नी जो सरपंच थी उस काल में भी ये इन्होंने अच्छी तरीके से झूले डाल करके त्यौहार मनाया गया था, उनसे भी पूछते हैं कि इनका कैसा सहयोग रह रहा है। नमस्कार, आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, जैसा कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पर हमने कोशिश की है कि इस पूरा गाँव एकत्रित हो और आस पास से भी कई लोग आए। हमारा मानना है कि कोई भी त्यौहार है बिना परिवार के, बिना लोगों के अधूरा रहता है। तो ये हमारे ग्राम पंचायत है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, और हमारी कोशिश है कि हमारा पूरा गांव एकजुट होकर इस त्यौहार को मनाए, शामिल हो और खुशियां मनाए, और आगे भी कोशिश रहेगी कि इसी प्रकार से हम त्यौहार को मनाएं। धन्यवाद। हमारे साथ और भी आगे ग्रामीण है, डाणा व आसपास के गांव से अभी आए हुए हैं, उनसे ही हम पूछते हैं कि कैसा लग रहा है ये। नमस्कार, ग्राम पंचायत डाणा में बहुत बढ़िया शानदार पहल की है सरपंच जी विकास जी ने, और ऐसे ही आप सभी को बहुत बहुत मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। और इसके साथ ही यहाँ पे बढ़िया तो खाने के जो पकौड़ी वगैरह की व्यवस्था है, और बढ़िया पतंगबाजी की प्रतियोगिता, ये अच्छा किया है, अच्छी पहल, बहुत शानदार काम। ये जो पतंगबाज भी आगे आ गए हैं और पतंग भी उड़ाने के रहे हैं, दूसरी तरफ एक जो पकौड़ी बनाई जा रही है, खाने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं पकौड़ियों को भी आकर के। सर पकौड़ी खा रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। कैसी व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था है, अच्छी। हाँ, देखिए यहाँ ये पकौड़ी बनाई जा रही है पूरी ग्राम पंचायत की। पकौड़ी बना रहे हो, पकौड़ी खिला रहे हो आप? पकौड़ी चाय पकौड़ी। कब तक चलेगी ये? शाम तक चलेगी। किन की तरफ से है ये कार्यक्रम? ये सरपंच की तरफ से। देखिए और भी यहाँ पर महिलाएं भी खूब आई हुई हैं, उनसे भी हम पूछते हैं कि कैसा लग रहा है इस त्यौहार को एक सामूहिक रूप से मनाने में? बहुत हमें मतलब खुशी हो रही है, ये त्यौहार मकर संक्रांति त्यौहार बड़े उत्साह उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। चाय पकौड़ी भी वहाँ चल रही है साइड में, हम लोग पतंग उड़ाने के लिए बहुत उत्साहित हैं कि जल्दी से जल्दी हमें प्रोग्राम देखने को मिले, और हर साल ऐसे ही प्रोग्राम करवाते रहें विकास जी, धन्यवाद। तो ये हम कह सकते हैं कि डाणा सरपंच द्वारा एक अच्छी पहल मानी जा सकती है त्यौहारों को मनाने, सामूहिक रूप से जो त्यौहार मनाया जाता है ये अच्छी पहल है।